आज मेरे लिए भी और कॉलेज के लिए भी एक खुशी का दिन है कि हमारे कॉलेज में एक डेवलपमेंट वर्क और कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 30 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई है। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर तहजीबुल अखलाक ट्रस्ट का, जनाब जीए साबरी का, एजुकेशन बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मेहनत और कोशिश से और उनकी फंडिंग से ये सारा काम हुआ है। और आप लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब छोटी क्लासों के लिए नहीं है, छठी सातवीं आठवीं के, तो जी वो भी छोटी क्लासों की जो लैब बनी है, दिस इज 12th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, 12th जनरेशन कंप्यूटर है और तकरीबन 60 से लेकर 65 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आया है। ठीक है जी, और ये सारा खर्चा ट्रस्ट की जो है मामलत से हुआ है, साबरी साहब की मामलत से, इसलिए मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो चंबे की, कि जब मैं आया था तो एक ही कंप्यूटर लैब होती थी, 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो बच्चियाँ भी हमारी खुआर होती थी उधर से, उनके साथ वॉचमैन आता था, फिर यहाँ पर कंप्यूटर लैब में अपनी प्रैक्टिकल की वो ट्रेनिंग करती थी जो भी क्रिकेट था। तो उस वक्त मैंने डिमांड की कि जी हमें बच्चियों के लिए एक अलग कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, तो हमने फिर नेशनल बैंक के तावन से बच्चियों के लिए 20 कंप्यूटर 25 कंप्यूटर पे मुश्तमिल एक लैब बनाई वहाँ पे, वो भी कोर i5 और 10th जनरेशन कंप्यूटर वहाँ पे हमने लगाए। फिर ये एक आज लैब बन गई है और एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौथी लैब भी बना रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए उनके एक लैब बन रही है, वो भी इंशाल्लाह चंद एक दिन तक तैयार हो जाएगी। और आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुल्क का कोई स्कूल भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर 4 कंप्यूटर लैब हो। ये सारी तहजीबुल अखलाक ट्रस्ट की मेहरबानी है, उनकी काफ़िशें हैं, उनकी जो है माली मामलत है, जहाँ से भी उन्होंने हमें सरमाया प्रोवाइड किया है, हमें उन्होंने कंप्यूटर दिए हैं। तो अभी आप लोगों से गुजारिश ये है, एक तो जब आप लोग अपना कैरियर सेलेक्ट करें, तो मैं तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ जो खड़े कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आप कैरियर सेलेक्ट करें बड़ा सोच समझ, आजकल स्पेशली ख़ास तौर पर बच्चियाँ और बच्चे कि जी मैंने जो है मैट्रिक में और FSC में ये बायो पढ़नी है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की जॉब एक तो सख्त बड़ी है, ठीक है ना। मैं पहली बार उसने बताया था कि मेरी अपनी बेटी डॉक्टर है, उनकी 36 आवर की ड्यूटी चलती है, 36 घंटे ड्यूटी को कर सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है जी। फिर वहाँ पर गलती आ जाए तो पेरेंट्स गले को आ जाते हैं। तो आजकल जो फील्ड चल रहा है वो कंप्यूटर का फील्ड है, इसमें पैसा भी बहुत है, आराम भी बहुत है, आपकी एडवांसमेंट भी बहुत है, ठीक है जी। तो
आप लोग जब कैरियर सेलेक्ट करें अपना मैट्रिक में एफएससी में जाके, तो सोच समझ के सेलेक्ट करें। और मेरी जो राय है, आप उसको, बाकी आपने अपने वालदैन की राय भी लेनी है और एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे आप, जो कैरियर काउंसलर होते हैं उनसे भी राय लें आप। लेकिन मेरी राय में आजकल के दौर में कंप्यूटर का फील्ड बेस्ट फील्ड, ठीक है जी। इसमें इनकम भी अच्छी है, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे वो ऑफलाइन करें, जैसे भी करें, घर से करें या ऑफिस जाके करें। और इसी तरीके से इसमें आराम भी है, क्योंकि इसके जितने भी आप कंप्यूटर सेंटर देखेंगे, कंप्यूटर सेंटर हमेशा एयर कंडीशनड होते हैं, ठीक है जी। गर्मी सर्दी का वहाँ पे इतना मसला नहीं होता, आराम से आप टाइम गुजार सकते हैं। और क्या कहना था? हाँ जी, ये भी इंशाल्लाह एयर कंडीशन होगा, ठीक है जी। हमारे पास ज़्यादा फंड्स की कमी हो गई है थोड़ी सी, इसलिए हमने रोके हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक दो महीने तक वो भी लग जाएंगे, एयर कंडीशन भी लगेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी काम पूरा होगा। लेकिन अच्छा, दूसरा अभी कि ये कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल किया है, अभी आप लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसका इसलिए किया है, अभी हम किसी और बड़े को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन है कि अभी इसका इसलिए किया ताकि आप लोग यहाँ पे बैठना शुरू कर दें, अपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। लेकिन इस सिलसिले में आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारी ओवरऑल आदत है हमारी कौम की या जो भी, कि हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप देख लें, हुकूमत ने जो है ये बसें लगाई, मेट्रो ट्रेन लगाई, फलाना लगाई, ये लगाए, हम जाके उसकी सीटें तोड़ने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर तोड़ने की कोशिश करते हैं, शीशे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि ये स्कूल आपका है, इदारा आपका है, ख़र्चा आपका हुआ है, आप ये समझें खर्चा हमारा नहीं हुआ, खर्चा आपका ही हुआ है। और कल कला अगर आप लोग तोड़ेंगे उसमें भी खर्चा किसका होगा? आपका ही होगा। आपके मुल्क की चीज़ है, आपके इदारे की चीज़ है, आपके इदारे ने बनाई है। आपके इदारे को लॉस होगा तो किसको लॉस हो, ठीक है। तो अपने इदारे को लॉस में ना लेके जाए, चीज़ों का ख्याल करें, बैठे आप अच्छे तरीके इस्तेमाल करें। लेकिन सीटों को फाड़ना, पता नहीं ये हमारी कौम ने कहाँ से सीटें फाड़ना, सीटों पे अपने नाम लिखना, उस पे जो है प्रकार के साथ नाम कंधा कर देना टेबलों के अंदर, ये कुर्सियों के अंदर, इस तरह के। प्लीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल करें, ये स्कूल आपका स्कूल है, आपका मादरे इल्मी है। मादरे इल्मी क्यों कहा जाता है? कि आपका गहवारा है, आपको संभाल के रखता है, ठीक है जी। तो आपको भी इसका ख्याल करना है, मादरे माँ का ख्याल करते हैं ना, मादरे इल्मी किसे कहते हैं? इल्म की माँ। तो माँ का ख्याल हम सब लोग करते हैं, ठीक है ना जी। तो जितना हम ख्याल माँ का करते हैं, उतना ही ख्याल हमें अपने इदारे का भी करना चाहिए। और अब इन चीज़ों को जो भी हमारे इदारे की है उनको अपना समझना चाहिए। जैसे आपने देखा पिछले दिन भी वाकया हुआ कि बच्चों ने गाड़ी तोड़ दी थी, इसके शीशे तोड़ दिए थे हाउसेस के या जो भी, तो किसका नुकसान हुआ? वो फाइन हमने उनको ही किया, उनसे नुकसान लिया, अपना नुकसान हम खुद क्यों करते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता। आप लोगों से गुजारिश है कि इसका नुकसान ना करें, बल्कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अंदर कोई गंद ना फेंकें, अंदर कुर्सियों को साफ रखें, अपने टेबल्स को साफ रखें। ये आप लोगों के कंप्यूटर हैं, आप लोगों के लिए लगाए गए, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें कि जो गर्ल्स विंग है हमारा, वहाँ पे बच्चों की तादाद है 1200, वहाँ फिलहाल 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और यहाँ पे तादाद है 600 बच्चों की हमारे पास बॉयज़ विंग में, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर 50 लग गए हैं। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, इस चीज़ से, इस एडवांसमेंट से फ़ायदा उठाएं, ठीक है जी। और अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएं, न्यू जनरेशन का कंप्यूटर लगा है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, उससे फ़ायदा उठाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं और आपके जो बाकी। दूसरा, इसमें हमने रखी है 40 सीटें, कंप्यूटर 30 है, ठीक है, अभी फिलहाल तो 30 ही रखी हैं, तो 40 सीटें रखेंगे हम, तो लेकिन है कि आपस में तावन करके बैठे। अगर बिलफर्ज एक दिन एक बच्चे को कंप्यूटर पर बारी आ गई, वो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है साथ, तो अगले दिन वो जो एक्स्ट्रा बैठा है उसको कंप्यूटर पर बैठना चाहिए। तो एक जो क्लास प्रीफेक्ट है उसको खुद ही कोई शेड्यूल तरतीब देना चाहिए अपने टीचर के साथ मिलकर, ताकि सबकी बारी आए, सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पर बैठकर प्रैक्टिस करें। आखिर में एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अपनी सफाई का
अपने महल्ले की सफाई का, अपने स्कूल की सफाई का ख्याल। ये आपका स्कूल है, किसी और का स्कूल नहीं है। जब ब्रेक के बाद हम देखते हैं या क्लासों में देखते हैं कि आप लोगों ने रैपर फेंके हुए इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता। ये अच्छी कौमों की निशानी नहीं होती कि हम सड़क पे चीज़ें फेंकें, डस्टबिन में चीज़ें फेंकने की आदत डालें। जहाँ भी मैं, तो जहाँ भी अगर कहीं पे मेरे रैपर शैपर हो तो मैं अपनी जेब में डाल देता हूँ, जब डस्टबिन कहीं नज़र आते हैं वहाँ पे। ये आदत हमें हमारे असाथा नहीं सिखाई है, हमने खुद नहीं सीखी, सीख किसी हम सीख के आए थे ऐसे ही। दूसरा कि सफाई निसफ ईमान है। इस्लाम में किसी और मज़हब में 5 वक्त का वजू है? सिर्फ हमारे इस्लाम में कि 5 वक्त वजू करना है, 5 वक्त अपने आप को पाक साफ करना है। तो इतनी अहमियत है हमारे इस्लाम में सफाई। अपनी सफाई का भी ख्याल रखें, अपने कपड़ों की सफाई का, अपने हॉस्टल की सफाई का, मेस की सफाई का, अपने कंटीन एरिया की सफाई का, अपने स्कूल की सफाई का, क्लासरूम की सफाई का, ये सारा ख्याल करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की। नो डाउट कि स्वीपर, तो स्वीपर के लिए देखें ना, स्वीपर के लिए अभी 500 कनाल का एरिया है, तो स्वीपर को अगर आप 500 कनाल में गंद फैला देंगे तो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे, तो वो भी तो गरीब आदमी है, ठीक है जी, उसके लिए काम बढ़ जाएगा। तो उनके लिए काम ना बढ़ाएं प्लीज़। आप लोग क्लासरूम में भी डस्टबिन पड़े हैं, इधर भी हम डस्टबिन रखेंगे और उधर कंटीन एरिया में भी पड़े हुए हैं, तो डस्टबिन में चीज़ें फेंका करें, रैपर वहाँ पर फेंका करें, ठीक है जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you.